इस वक्त आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी और मैं आपके साथ राधा। इस वक्त अपडेट की बात करें तो जीएसटी के विरोध में एक दिन व्यापारी संघ की हड़ताल और रविवार के अवकाश के बाद सोमवार को नीमच कृषि उपज मंडी खुली, जहां लगभग सभी उपज की बम्पर आवक रही। उपज की बम्पर आवक के चलते कृषि मंडी गेट पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई और जिस पर यातायात विभाग एवं पुलिस विभाग को मोर्चा संभालना पड़ा। इधर रविवार देर शाम CBN की पोस्ता व्यापारियों पर हुई कार्यवाही का असर मंडी में भी देखने को मिला है। यहां किसान पोस्ता लेकर मंडी में तो पहुंचे, परंतु व्यापारियों ने नीलामी में भाग नहीं लिया, जिसके कारण किसानों को अपना पोस्ता वापस ले जाना पड़ा। मंडी सचिव सतीश पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि एक दिन की व्यापारी हड़ताल और रविवार के अवकाश के बाद आज मंडी खुली है, जिसमें सोयाबीन, कलौंजी, इसबगोल, रायड़ा, मेथी दाना, लहसुन और गेहूं की लगभग 20,000 के आसपास आवक हुई है। वहीं बारिश के चलते सभी किसानों को सूचित किया गया है कि वह कहीं भी अपनी उपज का ढेर ना लगाए। जैसे ही मंडी में स्थान मिलता जाता है, वैसे वैसे ही गाड़ियों को प्रवेश दिया जा रहा है। पोस्ता व्यापारियों का नीलामी में भाग नहीं लेने के मामले में मंडी सचिव ने बताया कि आज पोस्ता व्यापारियों ने मंडी नीलामी में भाग नहीं लिया है, उसका कारण अज्ञात है। पोस्ता व्यापारियों से चर्चा पर पुनः पोस्ता की मंडी शुरू की जाएगी। अभी देखो, दो दिन का अवकाश था मंडी का, आज सोयाबीन भी आया है और सबसे ज़्यादा लहसुन आया है। किसान भाई अब अपने घर पे स्टॉक रखना नहीं चाहता, भाव जो मिल रहे हैं वो स्वीकार कर रहा है, इसलिए सबसे ज़्यादा लहसुन की आवक है, करीब 14,000 कट्टे की आवक है। बाकी गेहूं है, सोयाबीन है और दूसरा किराना आइटम है। लगभग टोटल सभी मिला के करीब 20,000 बोरी की आवक है। बारिश को देखते हुए हमने किसान भाइयों से अनुरोध किया है ध्वनि विस्तारक यंत्रों के माध्यम से, और हमारे कर्मचारियों ने भी उनसे अनुरोध किया कि भाई जब शेड में जितना माल रखा है वो नीलाम हो जाए, उसके बाद आप माल लगाएं, नीचे माल ना लगाएं। ये था आप तक अपडेट। लगातार जानकारी के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।